नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले, बिल्कुल मिस मत करना। पूरे 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदने वाले मैं पाल गोलू आपको लेके चलता हूँ हेलीकॉप्टर की ऊंचाइयों से नीचे कूदने तक की पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। चेहरे देखो, ये जा रहे कूदने और ये देखो कंबल वम्बल है, और ये देखो सबसे बड़ी बात ये देखो इसके पाँव देखो, सॉक्स भी अलग अलग पहने। ज़्यादा ठंड है ना, बता नहीं सकता मैं। और अभी शुरुआत है ठंड की, ये देखो इसकी शक्ल देखो। यार मैं तो ये सोच रही हूँ नीचे इतनी ठंड है तो ऊपर क्या होगा। मतलब ये लगाओ 10,000 फुट, मैं 5-7 फुट की हूँ तो 2,000। आ जाओ आ जाओ, जहाँ पर हम रहते हैं वो है 90 फुट, यानी कि 8वीं मंजिल पे है 90 फुट। इनके पास मौका है, अभी भी मना कर सकते हैं ये, वहाँ जाके बिल्कुल भी मना नहीं करने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलो ठीक है फिर चलती हूँ मैं, मना करूँ अंदर चल। क्यों ना करेंगे, डेयरिंग हूँ मैं पूरी। देखो ये चार्जर भूल गए थे, मैं चार्जर भी लाई हूँ। चलो वेरी गुड माइक वाला। गाइस दुआ में याद रखना, मजा आएगा बहुत ज्यादा। मैं पिछले वो दिल्ली गई थी ना, इनको लेके आई थी। टू वेयर योर सीट बेल्ट। तो सफर है पूरे 7 घंटे का चंडीगढ़ से, यानी कि दिल्ली से नियर अबाउट 135-150 किलोमीटर दिल्ली होके जाएंगे, और फिर आते हुए दिल्ली 1-2 घंटे रुकेंगे, और जैसा होगा फिर पायल गोलू बताती हैं। हाँ भाई जी, मैं तो सो जाऊंगी थोड़ी देर में, आप बताइए। मैं तो बस जगह मिली जाऊँ, मैं सो। तुम चाहते हो सफर खत्म ना हो, इससे बात नहीं है, थक गए। तो भैया सफर से थक गए हैं हम, आ गए होटल में। अच्छा, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर निकलेंगे हम। तो ये है हमारा रूम, पीछे आप देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन रूम है। हैं भाई क्या कहना चाहोगे? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है। सो जाओ, बस सो जाएंगे, बस सोने के लिए ठीक है। मैं निकलना सुबह, मैं तो सोच रही हूं यार, वो अभी मुंह में से भपका निकल रहा धुआं का, और सुबह तक नहीं क्या होएगा। मेरे को तो वो ले देना पायल, और हम है सारे वार्मर पहन के चलेंगे। तो सर्दी की मात्रा बहुत ज्यादा है, मैंने पहन लिया है टोपा, और ये भी कैप वाली स्वेटर ले रखी इन्होंने। और जहाँ से हमें कूदना है 10,000 फुट की ऊंचाई से, उन भाई से की कॉल आई, उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, कुछ पहन वहन के आना। तो बस अभी चाय वाय पी के थोड़ी आराम करते फिर निकलते, और बस बने रहना, मज़ा आने वाला। पूरी वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, एक एक स्टेप समझाएंगे आपको। चलो चाय भिजवा रहा हूँ, सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ दूसरे रूम में, ठीक है? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग है अभी। तो ये वाला रूम मेरा कालू भाई का है, तो अच्छे है, छोटे छोटे रूम है, ठीक है। एक्चुअली क्या ना, ये थोड़ा सा विलेज टाइप है इधर ना, तो इसलिए थोड़े छोटे रूम भी है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, निकल जाएंगे, ज़्यादा पैसे भी क्यों ख़राब करने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बस सब उठे हैं, क्या आवाज हुई है? तो आपके सामने पेश हो गई है गोलू कृतिका मलिक, कूदने के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कुछ नहीं, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, रात से ही सपने आते हैं बहुत ना। मुझे तो बहुत सपने आए, मतलब मैं ये सोचो सोई कम हूँ, सपने ज़्यादा देखे, इतने सपने एक साथ मैं कैसे देख सकती हूँ, बट मैंने देखे। बस डेस्टिनेशन थोड़ी ही दूर है, बस निकलते हैं, थोड़ा सा मुंह पे कपड़ा मारते हैं और चलते हैं। तो गाइस खाने का माल भी आ गया है, और मैं भी नहा लिया हूँ, बस थोड़ा सा बाल वाल सेट कर लेता हूँ, खा के निकलते हैं। और ये कुछ कर रही है दोनों औरतें, लिपस्टिक चेक कर रहे हैं, लिप की कोई हवा में निकल तो नहीं जाएगी बिल्कुल। ये मुँह है ना सारे थूक के खराब हो जाएंगे। क्या बड़े पायल, मेरा बीपी सर लो हो रहा है यार, मैं सोच रही हूं यहीं रुक जाओ, पता नहीं चॉकलेट खा ले, ज्यादा ड्रामा नहीं, चल ले चुप चाप। चलो 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 दही खा ले, चलो भैया चलो। मैं सच बोलूं, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, तेरी कसम, इनकी कसम, मैं ना पेट की वाली हिस्से में ना हो रहा है, मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। क्यों हो रहा है मेरे को ऐसा? मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कंधों पर पीठ पे कोई बैठा हुआ है। वो पहले रश हो जा, तेरी कमर दर्द हो रही है ऐसे। कमर तो तेरे ऊपर जाके ठीक होगी, पर बहुत ज्यादा ऐसे हो रहा है, किसी ने ऐसे कंधे ऐसे पकड़ रखे हो, नहीं तो मैं, मुझे तो ये लग रहा है मेरी जिंदगी की आज परीक्षा है, अगर ये परीक्षा मैंने पास कर ली ना तो फिर तो बाकी एडवेंचर तो मेरे दाएं बाएं और पैरों के हाथ की चुटकी का खेल है। चुटकी का ये तो कर ले पहले, वही तो कट बहुत दूर है और हमें लेके जानी है गाड़ी। तो कालू भैया गाड़ी को लेके आएंगे, रिक्स नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी, और मैं इशारे करता रहूंगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया। तो बहुत ही कामयाबी के साथ हमने स्टंट कर लिया है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ मैं बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे इंसान हो आप ना, हाँ। तो
थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा कि एक आधा परसेंट तो लग रहा होगा, एक आधा। देखो ऐसा है, डर सबको लगता है, पर मैं सोचता हूँ कि यार जो मेरे साथ कूद रहा वो भी तो इंसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कूदेगा तो हम भी कूद जाएंगे। इनका तो पानी में भी लग रहा था, लगा था, कोई बात नहीं, क्या हुआ, लगा था तो लगा था। देखो डर जरूर, डर होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन डर के आगे जीतना वो और भी ज्यादा जरूरी होता है। हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, भाई ने गेट खोल दिया है और हमारे सरकारी कर्मचारी हैं भाई, तो हेलीपैड वहां से किसी को लेके जा रहा है अभी। और जो यहां के रूल है, पहले हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन वाइन कर दें। तो यहां पर एंट्री हो गई है, हमारे चाचा का भाई साहब है, तो जब भी आप एंट्री करोगे यहां से अपना नाम और जो भी है आपका कार्यक्रम जहां से आए हो या क्या है सब बताना पड़ेगा, नहीं तो अंदर एंट्री नहीं है, ठीक है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं, काफ़ी बड़ा है, आपको मैं दिखा देता हूं। और अभी जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो लेके गया हुआ है कि इस इंसान को ऊपर, तो दिख भी नहीं रहा दूर तो दूर ये तक। यहां का सिटिंग एरिया है, कुछ पीछे हमारे कैंटीन है। हाँ पाल जी, कैंटीन चलते हैं, कैंटीन खाते पीते हैं। तो गाइस बिफोर फ्लाई स्काई हाई में तो आपको एक फॉर्म भरना है जिसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्म। तो इसके अंदर आपको अपना नाम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको एक बार अपना वेट भी चेक कराना है, हाइट भी चेक करानी है। ये सारा मतलब इतना बड़ा फॉर्म है, मतलब मेरे हिसाब से 6-7 पन्नों का फॉर्म है। तो उसमें हर एक डिटेल है कि आपको कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि और अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इनकेस अगर आपको कुछ होता है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आप 18+ हो और आप फ्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो ये रूल्स है, तो सब कुछ भरने में मुझे लगेंगे कम से कम 15-20 मिनट। हाँ जी पायल जी, सेम ईयर खुल गया। तो गाइस बहुत ऊपर है, कैमरे में कैप्चर नहीं होगा, अभी खुल गया पैराशूट। क्या हो गोलू, कुछ कहना चाहती है? ओ गुटू गुटू गोल चक्री घूम रहे हो? हाँ वो रे, इसको तो कुछ दिखाई नहीं देता ना, नहीं दिख रहा। अच्छा इनका बेटर, अच्छा इनका देखो ना, इनका बेटर है। तो जो अभी ऊपर है वो आंटी जी के लड़के हैं, जो अभी बहुत बढ़िया इसी में जाने वाले हैं। तो गुड़ गुड़ हो या कुछ भी हो, जाना ही पे नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ, आपको कहाँ बैठना है, कहाँ से कूदना है भाई गोलू, थोड़ा सा आप ब्रीफली बता दीजिए। आ जाओ मैं बताती हूँ। ये इसका पंखा है जो काफी बड़ा है, जो लगता है छोटा है। और ये इसका त्रिकोण, ये यहाँ से ये गेट खुलेगा इधर से। एक मिनट हो जाओ, आ जाए खोल सकती हूँ क्या भाई साहब, बताए। ये देखो आओ, हमें जंप यहाँ से मारना है नहीं, फिर यहाँ से कूदना है। तो किधर से कूदना है? तो गाइस ये अंदर की जो चीज़ें हैं मुझे नहीं पता, हम भाई साहब को लेते हैं। भाई साहब उधर है, भाई साहब उधर से आओ। दादा थोड़ा सा बताओ ना। तो आप लोग जब प्लेन से जंप करोगे, हाँ जी, तो जिस दरवाजे पे आप खड़े हो वो दरवाजा हट जाएगा, बिल्कुल ये सीट हट जाएगी जी, और ये पीछे की भी सीट हट जाएंगी, ठीक है। प्लेन में सिर्फ एक सीट रहेगी और आप लोग जमीन पे बैठोगे सीट बेल्ट लगा के, ठीक है। और जब हम 10,000 फीट पे पहुंचेंगे जी, तो आप लेफ्ट को एग्जिट आउट। तो ये बताओ ना थोड़ा सा, ये एक सेसना 172 एयरक्राफ्ट है, एक्चुअली ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, सो इट्स बेसिकली यूज्ड फॉर फ्लाइंग ट्रेनिंग, जिन लोगों को फ्लाइंग सीखनी होती है जी जी जी। और जब हम इसको सीटें हटा देते हैं तो ये एक स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट बन जाता है। ये ऑब्वियसली मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो बड़े प्लेन में भी जो फ्लाइंग होती है वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे होती है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग फ्लाइंग। चलो थैंक यू सो मच, और देख लो अंदर से आपको दिखा देता हूँ, मज़ेदार है काफ़ी। बाकी गोलू और पायल कुछ कहना चाहेंगी? बस हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, इस बार मैं करके दिखाऊंगी। इधर आओ, इधर आओ, वो देखो गाइस प्लेन एक और आ गया, जिस प्लेन में हमें जाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से कैसा होता है, तो वो भी पूरा देखना। आपको भी आना पड़ सकता है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ आप आओ यहाँ पर और ज़िंदगी का मज़ा लो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। तो हमेशा की तरह गोलू और पायल अपने काम में लग गई हैं, अपने रील वील बनाने के लिए। और ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कितना होगा दादा ये, कितने किले विले होंगे, कुछ अंदाज़ा क्या? 70 एकड़ की प्रॉपर्टी है, 70 एकड़। 70 एकड़ तो बहुत बड़ा है, आप आना यहाँ पे मज़ा आ जाए, मतलब कमाल ज़बरदस्त। तो भाई साहब हैं यहाँ के ओनर, इनका कॉन्टेक्ट नंबर, इंस्टा आई डी, एड्रेस, लोकेशन सब डालूंगा बायो में, आना मज़ा आया। तो गाइस कुछ सेफ्टी पर्पस जिसके भरोसे हम उड़ते हैं, भाई साहब बताएंगे उसकी पैकिंग कैसे होती है। तो ये आपका मेन पैराशूट है जो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी पैक हो रहा है। ये इस छोटे से बैग में जाएगा और फिर ये बैग उस बड़े बैग में जाएगा।
मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। तो ये वाला भी पैक हो रहा है पैराशूट, और ये इसकी रस्सियाँ मस्सियाँ जो बोलते हैं, और ये इसके अंदर जाने वाला है। इसके अंदर यहाँ पे आएगा आपका मेन पैराशूट जी, और इसके अंदर है आपका रिजर्व पैराशूट। ओके, तो अगर क्या प्रॉब्लम आती है मेन पैराशूट में हमारे जी, तो आपका इंस्ट्रक्टर यहाँ से एक हैंडल खींचेगा, मेन पैराशूट आपकी उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और फिर वो रिजर्व पैराशूट निकालेगा। ओके, तो ये डुअल पैराशूट सिस्टम है सेफ्टी के लिए। दो हो जाते हैं जी। ओके ओके, वेरी गुड। जैसे कि आ जाओ, तो कमाल का है ये भी, आप देख सकते हैं जबरदस्त। और क्या खींचना होता है, कौन सी रस्सी खींचनी होती है वो बताओ। ये है वो रस्सी जिस पे सब कुछ होता है, इससे आपका पैराशूट निकलता है। कमाल है, कमाल। ऑरेंज तो इसके अंदर होता है उस बैग। तो गाइस देख रहे हो पैराशूट पैक हो रहा अभी, और अच्छे तरीके से पैक किया जा रहा है। तो मैं आपको ये डिटेल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलेगी ये वाली डिटेल, और अच्छे से देख लो ये पैकिंग कैसे होता है। कुछ लोग समझते हैं कि पैराशूट खुला और वो उसी टाइम आधा टेढ़ा बंद हो गया, नहीं, बहुत सेफ्टी से बंद किया जाता है। आप ये देखो बहुत सेफ्टी से, यहाँ पे ये रबड़ लगाई जा रही है कि कोई भी रस्सी उलझे ना। तो ये भाई साहब है दोनों जो यहाँ संभालते हैं पूरा। तो खुशी हमें तब ज़्यादा होगी जब आप भी आएंगे यहाँ पे, और मुझे टैग करना आपकी स्टोरी, मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल यूट्यूब पे शेयर करूँगा कि मुझे देख के कोई यहाँ पहुँचा। बहुत मज़ा आया मुझे और अच्छा भी लगेगा, और अपनी वाइफ को लेकर ज़रूर आना। जो रिजर्व पैराशूट है वो हर 180 डेज में एक FAA सर्टिफाइड रिगर पैक करता है। फिलहाल इंडिया में कोई अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए पैराशूट्स दुबई जाते हैं पैक होने के लिए। और ये जो उसके ऊपर सील लगी हुई है, ये उसकी पिन है, ये जो सील लगी है इससे आइडेंटिफाई होता है कि वो पैक किसने करा है। और ये पूरा पैराशूट ये छोटी सी पिन के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, ये वाला जो पैराशूट है ये हम लोग यानी कि यहाँ की जो कर्मचारी हैं वो पैक करते हैं, और रेगुलर यही खुलता है। अगर मिस हैपनिंग हो जाइए ना खुले तो वो वाला, और वो वाला इधर पैक नहीं होता, वो बाहर पैक होता है। उसके जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट और मशीन है काफ़ी, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, FAA US की सिविल एविएशन अथॉरिटी वो सर्टिफाई करती है कि वो पैराशूट कौन पैक करेगा। वेरी गुड। तो भैया आप सबकी जान इसके अंदर है, और चलो बेटा पायल आपको अब सिखा दे कूदना कैसे, चलो। तो गाइस यहाँ पे ब्रीफिंग हो रही है, कैसे कूदना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे अब बताने वाले हैं भाई साहब हमारे। तो आप लोग भी बने रहें, जब आप यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाक से ऊपर चढ़ोगे और नीचे आ जाओगे। सारे काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों के। ओके, सो आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज़ मनीष, एंड अभी मैं आप लोग के लाइक 15-20 मिनट लूँगा बेसिकली ब्रीफिंग के लिए, जो डूज एंड डोंट्स होते हैं। एंड एवरी टैंडम जंपर सबको एक वीडियो देखनी होती है बेसिकली, सो ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है आप लोग के क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपने फॉर्म्स में भरे हैं और रजिस्ट्रेशन फिल किया है वो क्लियर होगा। पहले आप लोग वीडियो देखिए, फिर मैं आपके पास में ब्रीफिंग पार्ट लिया आता हूँ। एक ऑमलेट, मैगी वेज की सादा, वेज वेज प्लेन मैगी, एक चाय, और प्लेन मैगी, एक वेज मैगी, एक ऑमलेट भी आप क्या खाओगे? ऑमलेट में खा लेंगे। तो खतरों के खिलाड़ी रेडी हो गए हैं, टर्न अराउंड, just put your left leg inside, put it inside, just look down, left leg, right foot, देख करना तो है, चाहे तू कर चाहे मैं करूँ, करना तो पड़ेगा। You sign the waiver? Yeah. Perfect. We are legal. Yes. कुछ कहना चाहोगे बेटे? गोलू कहेगी, कुजो कहेगी, मैं तो बाद में कहूंगी, अभी तो मैं रेड बुल पी के एनर्जी ले रही हूँ। आप बताओ क्या बोला मैंने? आपने बोला हंसते रहना, अगर आप हंसोगे तो हमें अच्छा लगेगा, और 120 स्पीड के ऊपर होगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो स्माइल करना भूल जाते हैं, बट आप स्माइल करते रहना, स्माइल करोगे तो पैराशूट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, ये नया रूल है। तो गाइस सबसे पहले जा रही है लड़की ये वाली, और ये जाना मुझे था पर इसने बोला मैं जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने बोला तू जा। देखो लेडीज फर्स्ट है या नहीं ये बता देना कमेंट में। तो इसने बोला मैं जाऊंगी, जो ये प्रथा चली आ रही है उसको मैं झुठलाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी। इस लूज नहीं है ये, तो गिर जाऊंगी। अटैचमेंट पॉइंट, यू गोइंग टू गेट स्टार्ट विद मी बिफोर यू जंप, सो आई लेट यू नो हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द प्लेन। ओके, स्माइल, सो सी फॉर दैट।
So you have choice. Either you hold the harness. क्या हो गया पायल? Feel comfortable. You can just cross your arms. Check कर लीजिए. It's better you just hold it. मैं ऐसे पकड़ के रखूँगा. Okay, so I'm going to be here. The camera on my left hand. Camera on my left hand. My left hand. मेरा हाथ में. ठीक है. आपका हाथ में तो पकड़ के रखें ना. Enjoy your jump, smile, and do something. Okay? I'm going to give you a ride for 3 minutes. You're going to fly with me. So on my command, we're going to do a right turn. And small left turn and do on 360. Okay, I'm going to take care of landing. Landing is most important thing. What you do is. मैं आपको बताऊँ. बोलो. हाँ, जब हम land करेंगे तो मेरे जो दोनों leg side should be like straight. Straight. बिल्कुल straight ऐसी. कितना दूर? मैं बता देती हूँ. अच्छा चलो थोड़ी सी table लेने. मैगी खाली पेट नहीं जाना. खाली पेट नहीं जाना. ना. दो मैगी खाएगी. एक आपकी है. अच्छा ये. ये इनका. तो गाइस मैं जा रही हूँ फाइनली मैं पहले नंबर पे हूँ. मैं पहली बार लाइफ में कोई बड़ा एडवेंचर कर रही हूँ जो कि मैंने कभी नहीं किया. मैं कभी भी एडवेंचर गर्ल नहीं रही. तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ और मैं कभी छत से भी नहीं कूदी. हाँ से भी नहीं कूदी तो मैं सीधा आसमान से कूदूंगी. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. वो ऑटोमेटिक है. अगर मैं ये कूद गई तो फिर मैं हर हफ्ते आऊँगी कूदने और मैं दुबई भी जाऊँगी, सिंगापुर जाऊँगी, मैं सब जगह कूदूंगी. सिट लाइक दिस. I'm going to sit like this. So we're going to be here like this till 5000 feet. Okay, 5000 feet aa jayega. Aapko yahan bulaunga. So you're going to sit in front of me. Then you're going to get strapped with my parachute. Aap usi waqt karoge mujhe handle. Haan ji. Aap usi waqt mujhe aise bandhoge. Abhi se bandh ke nahi ja rahe. Usi kar loge na. Haan. Bhul mat jana ek aadha kabhi. Nahi nahi. Ek aadha bhul lagana bhul gaye mujhko. Raj has more than 12,000 jumps. हाँ, कितने? 12,000 jumps. हाँ, वो एक दो आपसे मजाक कर रहे थे. अच्छा. उनके 12,000 से ज्यादा जम्प्स. वैसे लड़की से तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो ही जाता हूँ. ठीक है छोड़ो. 5,000 फीट में आप यहाँ आएंगे. जी आऊंगी. मैं अटैच करूंगा, टाइट करूंगा. देन आई गिव द गॉगल्स. ओके. गॉगल्स पहन लेंगे आप. ओके. जस्ट रिलैक्स, कीप ब्रीथिंग. ओके. जैसे एग्जिट का टाइम आएगा वी टॉक पायलट एंड मी विल चेक द स्पॉट. Then we talk like okay, we are ready to jump. मैं नीचे नहीं देखूंगी, मैं आपको. ना आप देख भी सकते हो. ठीक, कूद मत जाना, मतलब आप देख सकते हो. ठीक है. So as soon as we are ready, I'm going to take my left leg first. Okay. So my leg's like this. Okay. What you do is you're going to take, because you don't have much room, so you grab your knee, take one here. लटक चुका था. Still you are sitting, na? And you are attached. Then you hold the harness. It'll go down. Head back, big smile on the camera. That's it. You may hear like, ready, set, go. I push you out. Then you do the same thing. Hips forward, legs back. Then if you may double tap or triple tap. वो तो याद है. हाँ, tap 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 करता रहूँगा. आप open कर देना. ठीक है? मुझे कुछ बोलना है. मुझे कुछ बोलना है. नहीं मुझे कुछ बोलना है. सुनो. सब कुछ बोलो. तुझे खुद ने कूदना है, ये पीछे से धक्का मारेंगे. तू कर रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया. देखो अगर आप भूल गया ना. Don't worry, सब भूल जाते हैं. आप भी भूल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा. ठीक है? I'll just free fall, open the parachute. I'll do it. Okay? क्या हुआ? ले इधर इधर फोटो दे दे बेटा. मैं बता रहा हूँ, आप जैसे लैंड होगी ना, this going to be your best moment in your life. Okay? देखो ऐसा है, मेहनत है और थोड़ा सा डर सबको लगता है, मुझे भी लग रहा है, पर बहुत बढ़िया. गोलू जा रही है अभी. दोनों लाते ऊपर लाते बाहर रख के ऐसे आधा लटकना है प्लेन से. प्लेन से और हेलीकॉप्टर से. तूने क्या कहा था मुझे कि अगर तू पीछे से धक्का मारेगी तो मैं कुछ भी कर लूंगी. अब तेरे को तो धक्का यही मार रहे हैं, तुझे थोड़ी कुछ करना अच्छा है. अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं होता पायल. धक्का तो कोई भी मारे, आगे तो मैं हूँ. एक तो रह गया. मैं जेठ जी, जेठ है मेरी. जा गोलू जा. या मैंने सब कैसे बदले लिए, ऐसा लग रहा खुशी कभी गम में आ गई. या पायलट हियर. थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा. चलो तेरे आते ही मैं आ जाऊंगी. तेरे आते
पैर रखो, मैंने एक पैर रख के ना नीचे देख लिया, मैंने बोला नो नो, उन्होंने ऐसे किया, उनको लगा मैं कहने गो गो गो, और जैसे मैं नीचे आई ना मैंने अपनी आँख बंद कर ली, फिर मैंने देखा हल्का सा, मतलब कि जब हम नीचे उतर गिरते हैं ना तो वो जो ऐसे ऐसे होता है ऐसे, मतलब 5000 जो फुट है ना वो मैंने ऐसे क्रॉस किया, और मेरा उतरते ही विद इन 5 से 6 सेकंड बाद मेरा पैराशूट खुल गया, और जैसे पैराशूट खुला ना मैं स्ट्रेट हो गई, और पैराशूट खुलने के बाद उन्होंने बोला पैराशूट को होल्ड करो, तो मैंने कहा 360 डिग्री कर रही हूँ ना मत करना, कह रहे एक बार, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ आँख बंद करके, जब किया ना मैं दोबारा करो ना, मैं तो मन तो 5 लट लूँ ऊपर।